हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्दियों का मौसम है और मटर तो बहुत ही अच्छी आ रही है मार्केट में, तो मैंने सोचा चलो आज हम भी बनाते हैं आलू मटर की सब्जी। बहुत ही आसानी से बन जाएगा बिना किसी झंझट के। तो देरी किस बात की दोस्तों, चलो हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है आधा कप जो है मैंने लिया सरसों का तेल। आप कोई भी तेल इस्तेमाल करो, लेकिन मैं कहूँगी कि आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना, क्योंकि इससे सब्जी बहुत अच्छी बनती है। इसको थोड़ा सा जब गर्म होगा, धुआं उठेगा, तो हम गैस बंद कर देंगे। उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। मसाले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर डाला है तेज़पत्ता और लाल मिर्च। आप हरी मिर्च अगर खाते हैं तो आप वही डाल सकते हैं। तो इसके बाद हल्का सा लाल होगा, फिर हम डालेंगे यहाँ पर साबुत जीरा। जीरा जब चटकने की आवाज़ आई, तब हम जो है यहाँ पर डालेंगे खड़े लहसुन, मतलब कि साबुत लहसुन हम डालेंगे बिना काटे हुए। दोस्तों डालिएगा, इसका एक अलग ही स्वाद आएगा। फिर डालेंगे हम बारीक कटे हुए प्याज। मैंने 4 प्याज लिए हैं अपने हिसाब से। आप जितने भी सब्जी बनाओगे उसके हिसाब से आप प्याज डाल लेना। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे हल्दी। हर सब्जी में जैसे बेसिक मसाले होते हैं वो भी डालेंगे, और यहीं पर हम आलू भी डाल देंगे। दोस्तों आलू जो है सिर्फ 2 पीसेस में कटे होने चाहिए, और नया वाला जो आलू होता है ना छोटे छोटे, वही डालना। और टमाटर भी जो लेना है हमें, हाइब्रिड लोगे तो आप 2 लेना, और देसी टमाटर हो तो 4 लेना दोस्तों। और यहाँ उसको टमाटर को हम सिर्फ आधा आधा रखेंगे, और यहीं पर हम डालेंगे मटर। मटर मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ली है, और उसी के हिसाब से आप भी अपनी सब्जी के हिसाब से डालिएगा। और इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डालेंगे, और सभी जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे धनिया, हल्दी, नमक, भुना जीरा, यहाँ पर हम डाल देंगे। सभी चीज़ें डालेंगे धीरे धीरे, और फिर हम जो है इसमें डाल करके इसको अच्छे से हमें मिला देना है दोस्तों। थोड़ी सी हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी मिला देंगे, क्योंकि इससे सब्जी का रंग अच्छा आता है। वैसे टमाटर है तो उसकी चिंता भी नहीं है कि ना पड़े तो भी चल जाएगा, मसाला ना जले। हम थोड़ा सा यहाँ पर पानी मिला दे रहे हैं, और मसाला जो है देखो अच्छे से लटपट हो गया है, मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। 3 सीटी बहुत है, क्योंकि नया वाला आलू है तो बहुत आसानी से ये पक जाता है। 3 सीटी के बाद गैस बंद करके कुकर को गैस पर ही छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप ढक्कन खोलोगे ना, तो देखोगे आपका टेस्टी यम्मी डिलीशियस सब्जी जो है ना बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा होता है, ना कोई झंझट ना परेशानी। देखिए आपका सब्जी बन गया है, और यहाँ पर आपको ग्रेवी चाहिए ना, हल्का सा पानी मिला दीजिए, लेकिन गर्म पानी मिलाना। और ऊपर से ना यहाँ पर सबसे जो अच्छी चीज़ है ना इस सब्जी की, वो है दही। जी हाँ, 3 चम्मच मैंने बिना पानी वाला दही मिलाया है, और यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाला, और ऊपर से डालेंगे ना कसूरी मेथी। हाथों में ही आप रगड़ करके ऊपर से डाल दो, सब्जी आपकी टेस्टी वाली ना तैयार है। तो दोस्तों ये सब्जी जरूर ट्राई कीजिए। सर्दियों में हमें ठंड लगती है, तो हम सोचते हैं फटाफट किचन का काम कर ले, तो बस ये सब्जी आप बनाओ, पूरी पराठे चावल कुछ के भी साथ खाओ, हस्बैंड को लंच में दो, बच्चों को दो पूरी पराठे के साथ, बहुत मज़े से खाएंगे सभी। तो दोस्तों ट्राई करना, और मुझे ना जरूर याद कर लेना खाते टाइम। और एंकर पूनम के साथ यूँ ही जुड़े रहिए अच्छे अच्छे टिप्स के लिए, अच्छी अच्छी सब्जियों के लिए, और लाइफ स्टाइल के लिए भी बहुत सारे अभी आपके वीडियो आने वाले हैं मेरे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।